माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई और पूरा देश और राज्य उनको याद कर रहा है। 24 में जनता दिखाएगी ना, उस झील का नाम जुब्बा सहनी जी सलीम अली और जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य के नाम पर रखा गया था। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश राजद। के प्रदेश कार्यालय में आज जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं जिस तरीके से राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो तमाम लोग आज पहुंचे। उसके बाद बिहार सरकार में राजद कोटे से मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता भी आज इस शहादत दिवस को मनाने में शामिल हुए। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते उन्होंने साफ तौर पर जुब्बा सहनी का जो योगदान है समाज में उसको लेकर उन्हें अहम बातें को भी रखा और कहा कि हम लोग हमेशा उस चीज़ को याद रखेंगे और जिस तरीके से 24वें लोकसभा चुनाव है उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ जो है महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आलोक कुमार मेहता। और जब देश को गुलाम करने वाले अंग्रेजों के एक पदाधिकारी को जिंदा जलाने का काम, उनको फांसी की सजा हुई और उनके इस शहादत को देश और ख़ास तौर से हमारा राज्य, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई और पूरा देश और राज्य उनको याद कर रहा है। अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के नाम पर इसके पहले माननीय लालू प्रसाद जी जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे जुब्बा सहनी जी के नाम पर पार्क बन का निर्माण मुजफ्फरपुर में हुआ था। और जो यहाँ पर एक चौर है झील, उस झील का नाम जुब्बा सहनी जी सलीम अली और जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य के नाम पर रखा गया था। तो हमारे नेताओं ने शहीद को हमेशा याद रखा है और आगे भी उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को देश के लोग इतिहास में वैसे व्यक्तित्व को पिछले पृष्ठ में नाम दिया हुआ था उसको इन लोगों ने फ्रंट पेज पर लाने का काम किया है। इसके लिए अपने नेताओं को हम साधुवाद देते हैं, उनके प्रति पूरा समर्पण है, उनके विचारों के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति पूरा राज्य समर्पित। अच्छा, ये जुब्बा सहनी जी का बात हो रहा है ना, और बाकी लोग तो भाई राज्य में सियासत है उसमें जो जो मिल रहा है देख ही रहे हैं, अब इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है, अपना काम हम लोग कर रहे हैं जी। 24 में जनता दिखाएगी ना, जनता उसके लिए तैयारी कर रही है। तो आपने सुना आलोक कुमार मेहता जुब्बा सहनी के शहादत दिवस को लेकर जो अहम बातें, उनकी जो समाज में योगदान है वो आज राजद के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया। और ये भी कहा कि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव है ये जरूर साफ है कि जुब्बा सहनी का जो आज शहादत दिवस राजद के प्रदेश कार्यालय में मनाया जा रहा है तो 24 को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो निषाद समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं राजद खेमे में है, इसको लेकर अब राजद के प्रदेश कार्यालय में भी राजद के लोग जो हैं आज जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाया 2024 को ध्यान में रखे। और बिहार सरकार में मंत्री आलोक कुमार मेहता ने आज साफ तौर पर भी कहा है कि जुब्बा सहनी का जो योगदान है समाज में उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते और जो जो उनकी महत्वपूर्ण बातें उनको मीडिया के समक्ष रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।